पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीत संगीत की इस महफिल में आप मिलेंगे ऐसे कलाकार से, ऐसे डांसर से जो संगीत का सौदागर है। नाम राजीव हरिओम भाटिया, जिसे हम खिलाड़ी कुमार के नाम से जानते हैं, और ये हैं फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अक्षय कुमार। भाई वैसे तो लोग हमें संगीत का जादूगर कहते हैं, नाम है राजा। इन्होंने अपने लिए खुद ही कहा है, ना हम अमिताभ, ना हम दिलीप कुमार, ना ही किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय। फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से आया ये लड़का सुपरस्टार बना। जन्म 9 सितंबर सन 1967। अक्षय कुमार का जन्म अमृतसर में हुआ था और परवरिश हुई पुरानी दिल्ली यानी कि दिल्ली 6 में। इनके पिता हरिओम भाटिया और माँ अरुणा भाटिया। पिता हरिओम भाटिया एक मिलिट्री ऑफिसर रहे। अक्षय कुमार बचपन से ही स्टेज पर एक परफॉर्मर की तरह जाने जाते थे, खासतौर पे डांस में। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में रहते थे और उसके बाद ये मुंबई आ गए, जहाँ पर ये कोलीवाड़ा इलाके में रहने लगे। कामयाबी की उन बुलंदियों को छू सकूं जिसका सपना पापा और आपकी आंखों ने देखा था। मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई और मुंबई के ही गुरु नानक खालसा कॉलेज से हायर एजुकेशन की। तो तुम्हें लगता है कॉलेज की लड़कियों के पीछे मैं पढ़ाऊं? अरे वो मेरे आगे आगे घूमती है। वो और बात है कि एक साल के बाद ही ये पढ़ाई छोड़ बैंकॉक चले गए मार्शल आर्ट सीखने के लिए। अक्षय कुमार की एक बहन भी है जिनका नाम है अलका भाटिया। भैया मैं एक बात सोच रही हूँ, आपके दिल की एल्बम में हजारों लड़कियों के फोटोग्राफ्स हैं, मगर उनमें से क्या कोई एक भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते जो मेरी भाभी बन सके? जब अक्षय 14-15 साल के थे तब इनके वालिद ने इनसे एक बार सवाल पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, और तब अक्षय कुमार ने कहा था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। दोस्तों हिंदुस्तान में ही इन्होंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल की। बैंकॉक में मार्शल आर्ट्स की पढ़ाई की, जहाँ पे जब बतौर शेफ और वेटर काम किया करते थे। कल से तू होटल जाएगा बस। मुंबई वापस आ जाने के बाद अक्षय कुमार ने मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया और अभी भी एक्टिंग की मंजिल काफी दूर थी, कोई राह नजर नहीं आ रही थी, और तब सूरज चमका। अगर आपको अपने डांस पर इतना ही नाज है तो एक मौका हमें भी दिया जाए अपनी किस्मत आजमाने का। अक्षय कुमार जब मार्शल आर्ट्स की क्लासेस लिया करते थे तब इनके एक स्टूडेंट ने, जो कि खुद एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, इनका नाम मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए भेजा। अरे राजा तुझे कौन हराएगा यार, जीत ले कंपटीशन और बन जा स्टार फटाफट। मॉडलिंग के पहले ही 2 दिनों में अक्षय कुमार को लगा, 2 दिन में जो पैसा मैंने कमाया है वो तो मैं पूरे महीने में नहीं कमा पाता, इसलिए मॉडलिंग का ही रास्ता चुन लिया जाए। बहुत सारी फिल्मों में ये बतौर बैकग्राउंड डांसर भी काम कर रहे थे और एक दिन इन्होंने फ्लाइट मिस कर दी और किस्मत के हवाई जहाज पे ये सवार हो गए। किस्सा यूं मशहूर रहा कि अक्षय कुमार को बैंगलोर जाना था एक एड की शूटिंग के लिए, पर ये फ्लाइट मिस कर बैठे। ये बहुत दुखी थे और सोच रहे थे कि अब क्या होगा। अच्छा हुआ कि इन्होंने फ्लाइट मिस की, क्योंकि उसी शाम जबरदस्त प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती ने इन्हें फिल्म दीदार के लिए साइन किया। राजा तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है बल्कि अपने हाथों से अपनी सुनहरी तकदीर लिख ली है। हालांकि ये पहली बार नजर आए थे फिल्म सौगंध में, जिसमें जबरदस्त अभिनेत्री राखी और शांति प्रिया इनके साथ थी। साल था सन 1991। '87 की फिल्म आज, जिसे महेश भट्ट साहब ने बनाया था और जिसमें कुमार गौरव स्टार थे, उसमें अक्षय कुमार मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर की तरह नजर आए थे। शुरुआती दौर में लोगों ने कहा कि लड़के के पास लुक्स तो हैं, एक्शन भी है, लेकिन शायद एक्टिंग में कमी है। और तब अब्बास मुस्तान की फिल्म खिलाड़ी आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाया। तुम दोनों को ही इस दुनिया से जुदा कर दे, क्या इस बहाने अपना पिछला हिस्सा भी प्याज के साथ क्लियर। अगर तुम में से किसी में हिम्मत है तो इसे हाथ लगा के दिखाए। अक्षय कुमार खिलाड़ी सीरीज के साथ आगे बढ़ रहे थे, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, और फिर आई फिल्म मोहरा।
अक्षय कुमार की इमेज एक एक्शन हीरो की इमेज बन गई थी। उसके बाद यश चोपड़ा साहब की फिल्म दिल तो पागल है में इन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया, हालांकि सपोर्टिंग रोल था पर बहुत तारीफ की गई। यश चोपड़ा साहब की फिल्म ये दिल्लगी में भी इन्होंने एक रोमांटिक किरदार ही निभाया था और तब ये जरूर लगा था कि ये हरफन मौला है। और फिर आई प्रियदर्शन साहब की फिल्म हेरा फेरी, जिसमें परेश रावल और सुनील शेट्टी साहब के साथ मिलके इन्होंने धमाल मचा दिया और फिर धर्मेश दर्शन की धड़कन ने इन्हें एक इमोशनल एक्टर की तरह भी एस्टैब्लिश किया। अगर तुम्हारे रगों में सिंगानिया का खून है तो मैं भी किसी बुजदिल बाप का बेटा नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरा हाथ प्रेम। नहीं। एक बड़ा मजेदार किस्सा रहा। एक बहुत बड़ी फिल्म फ्लॉप हो गई और अक्षय कुमार शादी के बंधन में बंध गए। जी, आमिर खान, फैजल खान और ट्विंकल खन्ना स्टारर मेला। अक्षय और ट्विंकल ने यह बात तय कर ली थी कि अगर मेला फ्लॉप हुई तो शादी कर लेंगे। फिल्म चल गई तो शादी कुछ वक्त के लिए रुक सकती है। और आमिर खान के होने के बावजूद फिल्म मेला बुरी तरह से फ्लॉप हुई और अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी सुपरहिट। इस तरह से अक्षय कुमार बने हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के दामाद और सासू माँ बॉबी यानी कि डिंपल कपाड़िया। इस शादी से अक्षय और ट्विंकल को दो बच्चे हुए, बेटा आरव और बेटी नित्रा। Yes, it is a very good, great thing which has happened and I'm thankful and obliged. धीरे धीरे वो मोड़ भी इनके जीवन में आया जहाँ पे इन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोली, हरिओम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी। I've done so many things in my life, from stunts to films to everything in my life. अक्षय कुमार ने नई हीरोइंस के साथ भी काम किया और पहले से ही अपना मकाम बना चुकी हीरोइंस जैसे कि माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ भी, लेजेंडरी रेखा के साथ भी ये नजर आए थे फिल्मों में और फिर हर बड़ी हीरोइन के साथ काम करना चाहने लगी। जितने भी मेरे को-स्टार्स हैं, जितने भी मेरी एक्ट्रेसेस हैं, कैरेक्टर एक्टर्स हैं, जितने भी, उन सबको जानता हूँ। अक्षय कुमार उन गिने चुने एक्ट्रेस में से हैं जिन्होंने हर कदम पे बहुत ज्यादा मेहनत की, फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से आए और सुपरस्टार्स की फेहरिस्त में अपना नाम शामिल कर दिखाया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। यह दास्तां है टीना जतिन खन्ना की, जिन्हें हम प्यार से ट्विंकल खन्ना कह के पुकारते हैं। टीना का जन्म हुआ 29 दिसंबर सन 1974 में बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और सेंसेशनल हीरोइन डिंपल कपाड़िया की ये बेटी हैं। ये सब बहाने बाजी हैं। और लोग भी तो काम करते हैं, काम के साथ हेल्थ का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। टाइम पे खाना, टाइम पे पीना, टाइम पे जागना। अरे बाबा, इस बार तो माफ कर दो। ट्विंकल खन्ना 29 दिसंबर को पैदा हुई, इत्तफाकन ये इनके पिता राजेश खन्ना का भी जन्मदिन है। इनकी मौसी सिंपल कपाड़िया भी फिल्मों में हीरोइन बनी। ट्विंकल खन्ना की पढ़ाई लिखाई हुई न्यू एरा हाई स्कूल पंचगढ़ी में। ट्विंकल खन्ना पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी, हालांकि बचपन में इनका वजन भी काफी था। जब ये मात्र 10 बरस की थी तब इनके माँ बाप एक दूसरे से अलग हो गए थे। आपसे बात के बिना आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, इतना सुन लीजिए। राजेश खन्ना और उनकी खूबसूरत बीवी डिंपल कपाड़िया एक दूसरे से अलग बच्चे डिंपल कपाड़िया के साथ चले गए थे। ये एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि ट्विंकल खन्ना 10 साल की उम्र तक बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा करती थी, लेकिन जब इनकी माँ इनके पिता से अलग हुई तब इन्हें अपनी नानी के घर रहना पड़ा। जमीन पे गद्दे बिछाकर ये वहाँ पर सोया करती थी। अमीर घराने के तुम जैसे आवारा लड़के बातें बनाने में बहुत तेज होते हैं, मगर मुझे बाप की कमाई पर ऐश करने वालों से सख्त नफरत है। हालांकि पैसे की ऐसी कोई कमी तो ना थी, लेकिन फिर भी ये लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया करती थी। इनके पास खुद की गाड़ी नहीं थी और जब पहली फिल्म इन्होंने साइन की तो जो एडवांस आया था उससे इन्होंने एक गाड़ी खरीदी। ट्विंकल खन्ना चूंकि पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी तो एक बार एक लड़के को मैथ्स के पेपर के दौरान ये अपनी आंसर शीट दिखा रही थी। टीचर ने इन्हें पकड़ भी लिया था, लेकिन वो जानता था कि ये राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी है, इसलिए वार्निंग देकर छोड़ दिया। ट्विंकल बचपन से ही राइटर बनना चाहती थी। माता पिता के अलग होने का गहरा असर हुआ था इन पर। इन्होंने ये भी सोच लिया था कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी करेंगी क्योंकि पढ़ाई में वाकई ये बहुत तेज थी, पर इनकी माँ डिंपल कपाड़िया ने बात साफ कर दी थी कि तुम एक अभिनेत्री बनोगी, एक एक्ट्रेस बनोगी। राइटिंग के लिए तो आगे भी वक्त मिल जाएगा, लेकिन अगर सुपरस्टार बन गई तो उससे अच्छा कुछ और ना होगा। सोने चांदी से नहीं, उन बाजुओं से प्यार है जो दो वक्त की रोटी तो कमा सके, जिनको दुनिया उनकी मेहनत उनके नाम से जाने, जिनकी पीठ पर अपने A1 बाप के नाम का स्टैंप नहीं होता। इन्हें लॉन्च किया धर्मेंद्र साहब ने अपने बेटे बॉबी देओल के साथ। फिल्म का नाम था बरसात, जिसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था।
ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई। ट्विंकल खन्ना को फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट फीमेल डेब्यू का। फिर नजर आए ये राज कंवर की फिल्म जान, लॉरेंस डिसूजा की फिल्म दिल तेरा दीवाना, जिसमें अजय देवगन और सैफ अली खान इनके सामने थे। जब प्यार किसी से होता है मैं ये सलमान खान के साथ नजर आई थी, तो मेला में आमिर खान के साथ और बादशाह में शाहरुख खान के साथ। इस जीत को पाने के लिए कितने दुख उठा रहे हो तुम, काश मैंने तुम्हारे प्यार को समझा होता, ना तुम भरत बनते और ना तुम्हारी हालत होती। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि एक फोटोशूट के दौरान इनकी मुलाकात हुई थी राजीव भाटिया से, जो आगे जाकर बने अक्षय कुमार, पर तब ये कोई अंदाजा न लगा सकता था कि ये दोनों आगे जाकर मियां बीवी बन जाएंगे। ट्विंकल खन्ना को करण जौहर ने अपनी डेब्यू फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए अप्रोच किया था, वो किरदार जो बाद में रानी मुखर्जी ने निभाया। ट्विंकल खन्ना ने ये किरदार रिजेक्ट कर दिया था। ये नजर आई फिल्म लव के लिए कुछ भी करेगा, जिसमें फरदीन खान। धीरे धीरे ट्विंकल खन्ना फिल्मों से दूर हुई और इन्होंने खुद का एक इंटीरियर डिजाइन स्टोर खोल लिया। बड़े बड़े हीरोइंस के घर इन्होंने डिजाइन किए। ट्विंकल खन्ना आगे जाकर एक फिल्म प्रोड्यूसर जरूर बनी और एक बड़ी जबरदस्त राइटर मिसेस फनी बोन। पर इनकी अक्षय कुमार से शादी कैसे हुई ये किस्सा भी बड़ा मशहूर है। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। धीरे धीरे ये पसंद मोहब्बत में तब्दील होती गई और जब लगा कि शादी होगी तब ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार के पूरे खानदान की एक लिस्ट बनाई और ये पूछा कि बताओ किसको क्या बीमारी थी। ये सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगता है, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये कि फिल्म मेला ने एक बहुत बड़ा किरदार निभाया था। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना साथ साथ बैठे थे और सोच लिया था अगर मेला फिल्म सुपरहिट हुई तो ये शादी नहीं करेंगे। फिल्म मेला के फ्लॉप हो जाने के बाद इन्होंने अक्षय कुमार से शादी कर ली। शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, बेटा आरव और बेटी नितारा। मेरे दिल पर, मेरी जिंदगी पर, अगर मेरे प्यार पर किसी का हक है तो सिर्फ भरत का। आई लव हिम। और हाँ, एक बात मत भूलिए मिस्टर रवि कुमार, अगर मेरे भरत को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इन्होंने कुछ छोटे मोटे किरदार जरूर निभाए, लेकिन ये फिल्मों से बहुत दूर रहीं। कुछ एड फिल्म्स में भी इन्होंने काम किया, लेकिन मिसेस फनी बोन्स ने ये साबित कर दिया कि ट्विंकल खन्ना एक बेहतरीन राइटर हैं। इनके इंटरव्यूज में समझ में आता है कि ट्विंकल खन्ना के दिल में कितनी सारी बातें हैं और कितनी बेबाकी से ये वो तमाम बातें कर लेती हैं। यकीनन सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी और बेहतरीन अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना ने बॉलीवुड की दुनिया में अपना एक अनोखा मकाम पा लिया। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।